ये रही। तो गाइस विनीता मुझे चाय पत्ती दे रही है और मम्मी चिढ़ रही है, चिढ़ रू हमारा खराब हो गया, टायर फट गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो संडे और आज का वेदर देखो कितना धूप हो रहा है, अच्छी खासी धूप निकली है। जो भी पानी वानी इकट्ठा था वो आज पक्का सूख जाएगा, कब लोगों के कपड़े वपड़े भी सूख जाएंगे। तो वहाँ पे एक अंकल कपड़े भी सुखा रहे हैं, वरना बालकनी से बाहर ना दिखा ही नहीं जा रहा है। अचानक से ना बहुत दिनों से वेदर अलग था और अचानक से अलग हो गया, आँखें मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और ये रहा, मैंने दूध उबाल दिया है, मैं अपने लिए दो अंडे बॉईल कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी चाय भी बॉईल हो रही है। कल जॉर्डन नहीं आया तो जॉर्डन वहाँ से अपनी दादी के घर चला गया, तो आज मैं जॉर्डन को लेकर आती हूँ। अभी तो पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत भूख लग रही है। आज है संडे, आज है सफाई दिवस, तो घर के सारे कपड़े आज धुलेंगे। पापा बेडशीट निकाल रहे हैं, बेडशीट धोने के लिए, और भी बहुत सारे कपड़े हैं, जॉडी की यूनिफॉर्म वगैरह। ये देखो एक लॉट तो यहाँ पर है और एक लॉट वॉशिंग मशीन के पास रखा हुआ है। तो ये सारे कपड़े धोते हैं क्योंकि आज है संडे। तो अब यार देखो वेदर कैसे चेंज हो गया, अभी इतनी धूप थी और अचानक से क्लाउडी हो गया, और क्लाउड्स कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो क्यूट सा लग रहा है। तो बस धोती हूँ कपड़े जल्दी से, ड्राई करके उनको सुखा देती हूँ, यू नेवर नो बारिश होने लग जाए। और जॉडी का वेट कर रही हूँ, जॉडी के बिना बहुत ही अजीब लग रहा है घर। तो ये रहे आज के कपड़े, इतने सारे इकट्ठे हो गए। महिलाओं को जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ आना जरूरी है। तो गाइस मशीन लगा दिया है, फटाफट से पानी भरेगा, फटाफट से मैं ये कपड़े धो के खत्म करूँ। फाइनली घर का सारा काम हो गया है, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब लग रही है बहुत तेज से भूख, तो लंच में बनाया है मैंने, पोटा कलेजी, आज संडे है तो ये रहा पोटा कलेजी, मैंने बना दिया था, बना के नहा धोने चली गई थी। पोटा कलेजी को आज मैं खाऊंगी चावल के साथ। तो चलो निकालती हूँ और खाना खाती हूँ। छोटू की आज छुट्टी है तो खाना खा के छोटू और मैं कहीं जाएंगे, तो फटाफट से खाना खाती हूँ और निकलती हूँ। और मम्मी पापा छोटू सब ने लंच कर लिया, अब बारी है मेरी। ये रहा मेरा मैंगो, इसको देखो तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, तो कुछ काम है वहाँ पे। तो ये जो है ना ये सूट सब, ये जो मेरा ऑनलाइन का जो काम है, ये सूट वगैरह मैं मम्मी को दे दूंगी। तो हमारा बुटीक है वहाँ पे, मम्मी लोगों ने बुटीक खोला है जॉर्डन बुटीक के नाम से, तो उस बुटीक में ये सारे सूट वगैरह दे देंगे और बिक जाएगा क्योंकि कस्टमर्स बहुत बोल रहे हैं सूट सब लेने के लिए। तो मेरे पास थे काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो ये बिक जाएंगे तो मैं नया स्टॉक ले आऊँगी, तो बस इनको जाके मम्मी को हम दे देंगे। तो छोटू मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये सारे सूट को रख डाल रहे हैं, फिर हम ये मम्मी को देखिए आ जाएंगे। और जा रहे हैं तो हम जॉर्डन को भी अपने साथ ले आएंगे। नहीं आ रहा साइड साइड में, तो ये बैग तो पूरा भर गया और अभी भी इतने सूट बच ये बचे हुए हैं, और ये मैं दूसरा बैग देखती हूँ। तो पापा का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और काम बहुत अच्छा है, मतलब बुटीक का। पापा बहुत अच्छे स्टिच करते हैं, पापा मतलब मेरे ससुर, उनके हाथ की सिलाई बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा सिलते हैं। तो अगर आप लोग आसपास रहते हो, अगर आपको जाना है तो आप जॉर्डन बुटीक में जाके सिलाई वगैरह करवा सकते हो। छोड़ो देख इस बैग में, इसमें तो थोड़ा सा ही आएगा। तो काफ़ी सामान हो गया है, ये रहा, और ये मैं हाथ में लेके जाऊंगी। तो छोटू पहले जाएगा लिफ्ट में,
चल मैं आती हूँ। मैं निकल गई हूँ और छोटू सारा सामान लेके नीचे पहुंच गया है, तो चलते हैं मेरे ससुराल। छोटू ने गाड़ी भी निकाल ली और वो बाहर वेट कर रहा है। अब वो मेरे पे चिल्लाएगा कि तू ही हमेशा लेट करती है। अरे वो तो निकला ही नहीं है, वो अंदर ही है। छोटे, अरे मुझे लगा तू आ गया बाहर। अरे बाहर आ गई। तो गाइस छोटू तो अंदर ही है और दरवाजा हो गया है लॉक, तो छोटू यहाँ नहीं है, वहाँ और उसको ढूंढ रहा है। तो ये रहा। तो गाइस एक काम हमारा खराब हो गया, टायर फट गया। छोटू ने गाड़ी यहाँ से निकाली और इसमें लग गई, इस कॉर्नर में लग गया और टायर पूरा फट गया। नया नया टायर था, ज्यादा भी नहीं चला था, अब चेंज करना पड़ेगा। ये देखो ये रहा, यहाँ से टूट गया ये पूरा। ऐसे तो नहीं ना, अब छोटू चेंज करके ये वाला टायर लगाएगा। छोटू अब स्टेफनी लगा के टायर चेंज कर रहा है। मतलब ये समझ में नहीं आया, हल्का सा लगा और टायर फट गया, हल्के से नहीं हो गया काम। टायर चेंज करके हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे देखो ट्रैफिक जाम, ये तो होता ही था। तो बस निकल गए और फिर हम पहुंचते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और मैं दिखाती हूँ जॉर्डन बुटीक। जॉर्डी के नाम से बुटीक खुला हुआ है उसके दादू ने। तो ये रहा बुटीक, ये रहा जॉर्डन बुटीक। तो ये जॉर्डन के नाम पे है और अच्छा खासा चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर, मम्मी वेट कर रही होंगी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, छोटू और मैं, और ये रही मम्मी। जैसे बोल दो मम्मी। तो मम्मी देख रही है क्या, डांस इंडिया डांस? मम्मी कोई डांस शो ही देख रही है। चलो मैं बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम लोग सामान निकाल रहे हैं, सामान निकाल के दुकान में रख देंगे। जैसे पापा, तो ये मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ। जैसे बोल दो पापा। और ये इनका बुटीक है। मतलब हमारा बुटीक है। तो गाइस देखो टीचर की मेहनत, टीचर को घर में भी काम करना पड़ता है। देखो रात के 8 बज रहे हैं और बेचारी इतनी मेहनत कर रही है। मुझे कटिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉर्डन भी नहीं है, वो तो एक नंबर का कुड़िया है। ये रही। तो गाइस विनीता मुझे चाय पत्ती दे रही है, कहाँ का? शालिनी। ये है चंपागुड़ी टी एस्टेट की फ्रेश टी लीव्स। हाँ, और मम्मी चिढ़ रही है, चिढ़ू। चिढ़ूंगी नहीं, मतलब मेरे को दी नहीं है वहाँ का चाय पत्ती। मम्मी इस चाय पत्ती के लिए इतना ज्यादा चिढ़ रही है, सोचो। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और थक गए हैं जॉर्डन का वेट करते करते। जॉर्डी अपने पापा के साथ कहीं गया हुआ था, बट वो तब तक आया ही नहीं। हमें वहाँ से निकलते निकलते 9 ही बज गया और थक गए हैं बैठे बैठे।
और मम्मी खुश हो रहा है मुझे देख के। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई।